अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कराची। आज की इस वीडियो में हम अपने यूएसबी को बूटेबल बनाना सीखेंगे, जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 इंस्टॉल कर सकते हैं। यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारे पास एक अदद खाली यूएसबी होनी चाहिए। दूसरा, विंडोज 7 का ISO या इमेज हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर में डाउनलोडेड होना चाहिए। और तीसरा, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मौजूद है जिसे हम रूफस कहते हैं, रूफस डाउनलोड कर लेंगे। रूफस डाउनलोड करने के लिए गूगल क्रोम ओपन करेंगे, गूगल क्रोम में सर्च करेंगे google.com और इसमें रूफस RUFUS। देखिए हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन हो गई, इसमें हम यूज करेंगे रूफस 3.10 डाउनलोड। राइट क्लिक एंड ओपन इन न्यू टैब। न्यू टैब में हमारे पास रूफस की वेबसाइट ओपन हो गई है। इस वेबसाइट में लेटेस्ट वर्जन के बाद डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे, हमारे पास रूफस डाउनलोड हो जाएगा। रूफस डाउनलोड होने के बाद हम रूफस को डेस्कटॉप पे कॉपी कर रहे हैं और हमने इसे डबल क्लिक किया। नो, दोस्तों अब हम अपनी यूएसबी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। यूएसबी कनेक्ट करने के बाद हमारे पास शो हो रही है ड्राइव, देन इमेज फाइल हम सिलेक्ट करेंगे। हमारी इमेज फाइल डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है और नीचे फाइल टाइप ISO इमेजेस कह रहे हैं, हम इसे ऑल फाइल्स कर देंगे। जब हम ऑल फाइल्स करेंगे तो हमारे पास हमारी इमेज नजर आ जाएगी। हमने सिलेक्ट किया अपनी इमेज फाइल को विन 7 एंड देन सिलेक्ट करने के बाद हम स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। जब हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमसे कंफर्मेशन मांगेगा, हम यस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यस पर क्लिक करेंगे हमारी यूएसबी फॉर्मेट होगी और फॉर्मेट होने के बाद हमारी ISO या इमेज फाइल यूएसबी में कॉपी होना शुरू हो जाएगी। अब हमें इंतज़ार करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगी। दोस्तों अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए और अपने कीमती राय से कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिए।
दोस्तों इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट नाउ, थोड़ी देर में सारी फाइलें कंप्लीट हो जाएंगी और दोबारा हमारे पास स्टार्ट का बटन एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट का बटन एक्टिव हो जाए तो आपने जस्ट क्लोज कर देना है। हमारी यूएसबी तैयार हो चुकी है जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में विंडोज 7 इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम विंडोज इंस्टॉल करना सीखेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।